तो हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हज़रत अली की दरगाह। और ये इसका मेन गेट है और ये इसका जो दरवाज़ा है वो यहाँ से है। आइए अंदर आइए, तुम्हें अंदर से दिखाते हैं। चलिए अंदर, यहाँ पर जूते निकालते हैं, जूते लेके अंदर कोई नहीं जाता है। ये मेन गेट है इसका, कितना शानदार बना हुआ है, कितना बड़ा गेट है। वो है अंदर जो नज़ारा है वहाँ का है भाई, उसे दिखाएंगे अभी। आजा भाई अंदर, आजा अंदर से दिखाते हैं। तो भाई देखने का नजारा तो यहाँ से अंदर से कितना मस्त तरीके से बना रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल कांच से सजा रखा है। ऊपर से कांच है, पता नहीं क्या है भाई, पर एक नंबर सजा रखा है भाई। जो अंदर का जो मेन चीज है ना वो यही है, ये है वो नज़ारा, देखिए आप भी। आइए चलते हैं इन भाई साहब से यहाँ का इतिहास जानते हैं। यहाँ का इतिहास बताएंगे भाई आप थोड़ा? ये जहाँ इस वक्त आप और हम मौजूद हैं, ये रोज़ा है मलाइका नाज़रेस्तान का। और इसकी जो बिना जो है आपने सैयद राजुल रहमा की मज़ार ज़ारत कराई होगी लोगों को, या करा दीजिएगा, तो उनकी बिना है कि औरंगज़ेब के वक्त में जब मेरे वैद के चाहने वाले पर जुल्म करा था औरंगज़ेब, तो सैयद राजू के पीछे जब उसने अपने सिपाही लगाए कि इन्हें क़ैद करे या इन पर जुल्म करे, तो उससे पनाह लेने के लिए इस जगह पे आ गए। उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था, फ़कत जंगल है जैसा कि तारीख में है, जंगलात थे यहाँ पे, यहीं पे वो आ गए पहाड़ियों पे जंगलात पे, और मौला कायनात को याद करते थे और फिर बस्ती में चले जाते थे पास की। तो एक दिन वो यहाँ से मौला को याद करके ना देनी पढ़ के बस्ती चले गए। यहाँ पर जंगल में जो है एक ब्राह्मण था नाबीना, वो घास काट रहा था, तो उसने सुना कि घोड़े आ रहे हैं। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो उठ के चल दिया कि शायद औरंगज़ेब का लश्कर आ गया सैयद राजू को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो आने वालों ने एकदम आवाज़ दी, कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि भाई मेरा वक्त हो गया है घर जाने का, घर जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, हम कह रहे हैं तुझसे कि जा और सैयद राजू को बुला के ला, और उनसे कहना कि जैसे तुम रोज़ बुलाते थे इस जगह पर, आज वो तुमसे मिलने आए। उसने कहा ब्राह्मण ने कि जनाब मैं तो नाबीना हूँ, अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा पास में आ मेरे। जैसे ही वो पास में गया उन्होंने अपना लुआब दहन, अपने मुँह का लुआब उसके आँखों पे लगाया और कहा अब हम कह रहे हैं कि आँखें खोल। जैसे ही आँखें खोली तो एकदम रोशनी आ गई, तो समझ गया कि यकीनन जो है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तो अब वहाँ से गया और सैयद राजू को बुलाने के लिए चला, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई थी कि जब सैयद राजू लौट के आए तुम्हारे साथ तो फ़कत अकेले आए, उनके साथ में कोई और ना हो। अब ये गया है सैयद राजू को बुलाने तो उनके साथ में मजमा चल दिया, क्योंकि जब एक नाबीना इंसान जाएगा आंखें खोल के देखता हुआ, पब्लिक ज़रूर सोचेगी भाई कोई मौजदा है। अब जैसे ही लोग आए हैं तो मौला खुद तो रूपोश हो गए इस मकाम से, लेकिन उनके घोड़ों के टापू के निशान यहाँ पर मौजूद थे। वे जो घोड़े के टापू के निशान है वे दिखा सकते हैं आप? नहीं, दिखाने के नहीं है, इसके नीचे मौजूद ये बता रहे हैं कि इसके नीचे मौजूद हैं। आइए देखते हैं, और इसके नीचे वो आज भी घोड़ों के टापू के निशान मौजूद हैं। और जो बाहर चश्मा आप कुआं देख रहे हैं उससे पानी इसके नीचे हौदिया है इसमें आता है, और उस घोड़े के टापों से मस होके फिर वो पानी बाहर शिफा के लिए दिया जाता है। जाहिर ये इधर का आपने किनका बताया? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मौला अब्बास का। मौला अब्बास जी जी, मौला अली अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जो थे करबला में मौजूद थे जी, मौला हुसैन के साथ में, और ये सिपा सालार भी थे उनके लश्कर के, उनसे मंसूब ये रोज़ा है। आप जाएंगे तो हज़रत करेंगे मुसलमानों को, हमारी इबादत कबूल फरमाए, और जहाँ जहाँ मुसलमानों को रिहाई अदा फरमाए, बिलखसूस वादी फ़िलिस्तीन में
मुल्क फ़िलिस्तीन में जो जुल्म मुसलसल यहूदियों के ज़रिए मुसलमानों पर किया जा रहा है, अहले इस्लाम पर किया जा रहा है, अल्लाह उन्हें अहले इस्लाम की मदद फरमाए और इज़राइल और अमेरिका को नेशनल आइडेंटिटी।